आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक की एक नई यूनिक सीरीज। आने वाले व्लॉग में आपको अनोखे फूलों की रंग बिरंगी घाटियां देखने मिलेंगी, तो कभी 15,200 फीट पर हेमकुंड साहब जी और वहां का अद्भुत मौसम, दुर्लभ ब्रह्म कमल, तो कभी चार धामों में से एक महान बद्रीनाथ जी के दर्शन होंगे, तो कभी भारत का आखिरी माना गांव और अंत में विशाल वसुधरा फॉल। आपको ये पूरी सीरीज एक ना भूलने वाला अनुभव देगी और आज हम आनंद लेंगे शुरू के दो दिन की यात्रा का, जो कि शुरू होती है ऋषिकेश से और पहुंचती है अपने गंतव्य घंघरिया पर। पहले दिन का एडवेंचर शुरू होता है ऋषिकेश से, जहां गंगा जी की भव्यता और सुंदरता आपके साथ साथ चलती है, जहां के मंत्रमुग्ध करने वाले झरने आपको आगे ना बढ़ने पर मजबूर कर देते हैं, और नेक्स्ट डे पुष्पावती रिवर आपको अपने आगोश में लेने लगती है, जब आपका 10 किलोमीटर का ट्रैक आपको अपने गंतव्य घंघरिया तक ले जाता है। तो आइए शुरू करते हैं नए एडवेंचर को ट्रैंक्विल ट्रेवलर के साथ। वैली ऑफ फ्लावर ऑलमोस्ट 7 दिन का प्लान है, ऋषिकेश टू ऋषिकेश। आपको पूरा प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने पहले दिन ऋषिकेश से अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे की बस ली जोशीमठ के लिए, जो हमारा आज का टारगेट था। गंगा जी की भव्यता के साथ साथ ये सुहाना मौसम और बादलों का पहाड़ों से अटखेलियां करना इस पूरे परिवेश को स्वर्ग के समकालीन लाके रख देता है। रास्ते में रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, कोटेश्वर महादेव और धारा देवी जैसे धाम भी आए। इन सब का हमने रिटर्न होते वक्त दर्शन किया है, तो आने वाले ब्लॉग में ये सब भी आएंगे। खूबसूरत झरने और हसीन वादियों को निहारते हुए हम जोशीमठ रात तक पहुंच गए। अगले दिन का टारगेट था घंघरिया। हमने जोशीमठ से पूलना वाया गोविंद घाट एक टैक्सी ली, और ये पूरे रास्ते में जैसे झरनों की बाढ़ सी आ गई। क्या खूबसूरत नजारा था, और फिर नजारों ने अपना रुख पलटा, और अब हम थे पुष्पावती रिवर के सामने। आप देख रहे हैं
बहुत ही कमजोर लिया है, ब्रिज है जिसे हमें क्रॉस करना है। लेट्स क्रॉस इट। ये हल्की हल्की हिल रही है। वहीं रुको, और नज़ारों को निहारते हुए कब 10 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हुआ और हम कब घंघरिया पहुंचे पता ही नहीं चला। अगले व्लॉग में आप देखेंगे कि ये स्वर्ग जैसा परिवेश हमारे लिए कितने बार स्वर्ग का द्वार खोलता है। और अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल में अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना यार। थैंक यू।